वालेकुम नाजीन मैं असद अब्बास एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी हितमत में एक कानूनी मौजू के साथ फिर से हाजिर हूँ और सवाल आया ये आया कि कानूनी तौर पर यह जुमला पुलिस अफसरान की तरफ से बोला जाता है यू आर अंडर अरेस्ट लेकिन क्या यह जुमला कोई आम शहरी किसी दूसरे आम शहरी को भी कह सकता है मतलब ये कि क्या कोई आम शहरी किसी दूसरे आम शहरी को गिरफ़्तार कर सकता है वो किन हालात में ऐसा कर सकता है और कितनी देर तक वो किसी दूसरे शहरी को हिरासत के अंदर रख सकता है अगला क्या प्रोसीजर है और अगर पता चले कि एक आम शहरी ने इस कानूनी प्रोविज़न को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे शहरी को गिरफ़्तार किया है लेकिन वो कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो उस शख़्स के ख़िलाफ़ जिसने किसी दूसरे शख्स को अरेस्ट किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है इन सारे सवाल के जवाब हम डिस्कस करेंगे अपने इस वॉक में स्टे विद और आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं जी हाजरीन जी नाजरीन सवाल ये आया कि जनाब पुलिस तो किसी भी शख्स को अरेस्ट कर सकती है लेकिन क्या आम शहरी जो है वो किसी दूसरे आम शहरी को अरेस्ट करने का इख्तियार रखता है कानून इसके बारे में क्या कहता है तो जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हमें कानून फ़ौजदारी की तरफ़ रजू करना पड़ता है और उसका सेक्शन 59 है जो जाबता फ़ौजदारी हमारा एक कानून है आ लेकिन कानूनी तफसील में जाए बग़ैर मैं आपको एक सिंपल वे में अर्ज़ करता हूँ कई वो सेक्शन है जो इख्तियार देता है कि कोई भी आम शहरी किसी दूसरे आम शहरी को गिरफ़्तार कर सकता है अगर तीन सूरत हाल मौजूद है नंबर वन अगर वो शख़्स जो है वो Uh, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा हो नंबर टू कोई दूसरा शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा three, हो नंबर थ्री तीसरा शख्स कानूनी तौर पर हो एब्सकोंडर हो यानी कि वो कानून उसे अपनी गिरफ्त गिरफ्त में लेने के लिए कोशिश कर रहा हो वो uh, पुलिस से या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भाग रहा हो तो ये तीन सूरत हाल हैं जिसके अंदर आप उस शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं इनकी तफसील में गए बग़ैर मैं आपको बताता हूँ कि लॉ के अंदर नॉन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की एक प्रोविजन मौजूद है उनकी तफसत मौजूद हैं दूसरा जो सिचुएशन है वो है कि जब कॉगनीजल ऑफेंस काबिल दस्तंदाजी जुर्म यानी ऐसा जुर्म जिसके अंदर पुलिस को भी किसी दूसरे शख्स को अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और विदाउट वारंट जो है उसको लिया जा सकता है जैसे अगर आप देखें कि कोई बंदा या कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर रहा है तो कोई तीसरा शख्स आके उसे रोक सकता है और अरेस्ट कर सकता है कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक होगा कोई चोर किसी के घर में घुसाए हैं और वहाँ पर कोई चोरी करके भाग रहे हैं तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं आपको कानूनी प्रोटेक्शन सेक्शन 59 नाइन जब्ता फ़ौजदारी के तहत हासिल है आपको कोई कानून नहीं रोकता कि आप उस शख्स को ना रोकें और नंबर तीन जब कैसा शख्स जो कि ओफेंडर है एब्सकोंडर है यानी कि वो भगोड़ा है उसके खिलाफ कोई वारंट है कोई सर्च वारंट है उसने कोई क्राइम कमिट किया हुआ है इन दो तीन सूरत हाल के अंदर आप ऐसे शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं अगर अगरचे आप कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ताल्लुक़ नहीं भी रखते या फिर आप पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी में नहीं हुए लेकिन सवाल यहाँ पे यह पैदा होता है कि क्या आप ऐसे शख़्स को पाँच दिन के लिए दस दिन के लिए बीस दिन के लिए या एक माह के लिए अरेस्ट कर सकते हैं नहीं ऐसा नहीं एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप सेक्शन 59 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपने उस शख्स को पुलिस के हवाले करना है या पुलिस को इन्फॉर्म करना है अगर ऐसा पॉसिबल ना हो कि पुलिस ऑफिसर को आप इन्फॉर्म कर सकें तो आप उसे करीबी पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाएंगे बग़ैर किसी अननेसेसरी डिले के मिसाल के तौर पे अगर आपने जहाँ से अरेस्ट किया है वहाँ से पुलिस स्टेशन का जो रास्ता है वो तकरीबन अगर 10 मिनट का है तो ये नहीं कि आप 10 घंटे बाद पहुँचें अगर 15 मिनट का है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बीस पच्चीस मिनट में पहुँच सकते हैं अन डिले जो है वो आपके आड़े आएगी अब पुलिस ऑफिसर वहाँ पे क्या प्रोसीजर करते हैं ये भी सेक्शन 59 ने तफसी से बता दिया कि वो शख्स अगर कागनीजेबल ऑफेंस का जो है वो सरजद करदा है उन्होंने कागनीजेबल ऑफेंस सरजद किया है तो उस सूरत के अंदर पुलिस पुलिस ऑफिसर जो है उन्हें री अरेस्ट करेंगे अगर पता चले कि उन्होंने नॉन कोगिनेबल ऑफेंस किया है और वो सेक्शन 57 की यानी अपना नाम और अपना एड्रेस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सूरत में उनको वो छोड़ देंगे एक दफ़ा और कानून के मुताबिक पुलिस से कंसर्न मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेने के बाद या अरेस्ट वारंट लेने के बाद उस शख्स को दोबारा कानून के मुताबिक अरेस्ट करेंगे लेकिन यहाँ पे हम केस लॉ की भी बात करते चलते हैं कि जो मुख्तलिफ़ केसेस कोर्ट के सामने आते हैं वो उनकी इंटरप्रटेशन करते हैं अगर कोई भी शख्स किसी को जुर्म करता हुआ देखे जो कि नॉन अवेलेबल हो कॉग्निजेबल हो तो फिर वो शख्स उस दूसरे शख्स को अरेस्ट कर सकता है ये सेक्शन फिफ्टी नाइन कह रहा है लेकिन अगर वो शख्स भाग रहा हो तो क्या तब भी आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर हमें दो तरह की आरा मिलती हैं एक ये है कि अगर भाग रहा हो लेकिन आपने उन्हें ऑफेंस कमिट करते हुए नहीं देखा आपने सिर्फ भागते हुए देखा है तो कुछ केसेस हमें इस तरह के मिलते हैं जो कहते हैं कि आप अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन दूसरे कुछ केसेस इस तरह के हैं कि जो कहते हैं कि आप ने सिर्फ अगर भागते हुए देखा है और ऑफेंस कमिट करते हुए नहीं देखा तो फिर आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते तो ये एक तफसली मैंने आपको आ, जो कुछ गुजारशात की हैं लेकिन इसके अंदर एक पहलू अभी बाकी है वो ये है कि क्या अगर किसी बंदे को आपने अरेस्ट किया ये समझ कर कि आपकी आरा के अंदर वो शख्स जो है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो काबिल दस्त अंदाजी है जिसके अंदर कानून आपको इजाज़त देता है कि आप उसे रोक सकें लेकिन बाद वो नहीं निकला तो कानूनी तौर पर क्या वो शख़्स आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकता है जी हाँ वो कर सकते हैं लेकिन आपकी इंटेंट देखी जाएगी आप अगर समझते थे कि ये बंदा वाकई कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहा है कोई वेपन उसके हाथ में है अगरचे वो चला नहीं रहा अगर कोई उसके हाल में इस तरह का कोई हंजर है या कोई इस तरह का कोई भी वेपन है कोई पिस्टल है और आप समझते हैं कि ये जा रहा है और को जाके कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो आपको कानूनी प्रोटेक्शन मिलेगी चाहे आपने उसे ऑफेंस कमिट करते हुए नहीं देखा क्योंकि आपकी इंटेंट जो है वो प्योर थी तो माशरे के अंदर हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए क्योंकि कानून हमें तहफ़ देता है और ऐसे जुर्म को रोकने के लिए हर शहरी को आगे बढ़ कर अपना किरदार अदा करना चाहिए यहाँ भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और आप चाहते हैं कि कानूनी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो जो आपको आपकी दहलीस पर मिले तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ जो है वो रबते में रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें एक नए वी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा तब तक इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़